हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो है रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल का सेकंड पार्ट। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, अपनी बैकएंड प्रोग्रामिंग करेंगे। और बैकएंड प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे सर्वलेट, JDBC और डेटाबेस में कुछ टेबल्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल पार्ट वन में क्या बनाया था और आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे नेटबीन्स ओपन है और हम अपने सबसे पहले अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे और देखेंगे अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक प्रोग्राम को बनाया है, कहाँ तक अपने प्रोजेक्ट को बनाया है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक सिंपल सा रन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दूंगा। इससे होगा क्या, नेटबीन्स हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेगा और रन कर देगा, ब्राउज़र को ओपन कर देगा। तो ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज है और हमने जो पेज डिज़ाइन किया था वो साइन अप पेज था। तो हम यहाँ पे सिंपली अपने प्रोजेक्ट के लिंक के सामने स्लैश लगा के लिखेंगे signup.jsp और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म ओपन हो गया। तो यूजर से हम बेसिकली तीन डिटेल ले रहे हैं, उसका नाम, पासवर्ड और ईमेल, ये तीन ले रहे हैं। आप और भी डिटेल्स यहाँ पे सिंपली ले सकते हो, फील्ड्स बना सकते हो, बट हम यहाँ पे तीन डिटेल लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने डेटाबेस में ये तीनों फील्ड के लिए एक टेबल बना लेंगे, जिससे कि जब हम डेटा फेच करें तो JDBC की हेल्प से वहाँ पे हम लोग स्टोर कर पाएँ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास, मैं यूज़ करने वाला हूँ MySQL डेटाबेस। तो मैं क्या करूँगा, MySQL डेटाबेस में चलूँगा और वहाँ पे एक टेबल बनाऊँगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं इसको ओपन करके, और इसके अंदर आप लॉग इन करके यहाँ पे आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे कमांड लाइन क्लाइंट यूज़ नहीं करूँगा, जिससे कि हमें कमांड टाइप नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा SQL योग GUI क्लाइंट है। आप क्या कर सकते हो, नेट से डाउनलोड कर सकते हो और इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो MySQL सर्वर के साथ। तो सिंपली सारा काम वही करेगा, बट यहाँ पे हमें GUI के रूप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमें यहाँ पे क्वेरीज मैनुअली नहीं चलानी पड़ेगी, या फिर आप वर्कबेंच यूज़ कर सकते हो, PHP माइड भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे और वर्कबेंच ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा, ये हमारे MySQL सर्वर में जितने भी डेटाबेसेस हैं यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो मैं एक राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें क्रिएट डेटाबेस, इस पर मैं क्लिक करूँगा, एक नया डेटाबेस बनाऊँगा। तो डेटाबेस का ये नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दूँगा YouTube और मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें एक डेटाबेस बन गया। तो मैं इसको ओपन कर लूँगा और टेबल्स पे राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट टेबल, यहाँ क्रिएट टेबल का ऑप्शन है, या आप F4 भी दबा सकते थे। जैसे हमने टेबल क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे टेबल का नाम पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, टेबल का नाम दे दूँगा। तो लेट अस सपोज हमने कहा यूजर, टेबल का नाम यूजर है, और फिर हमें कॉलम्स नाम स्पेसिफाई करना है। तो हम सबसे पहला कॉलम बनाएंगे ID, यूज़र ID होगी, जो डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप इंटीजर होगा। और लेंथ बाय डिफॉल्ट आप देना चाहो दे दो, मैंने 12 दे दिया। अगर आप इंटीजर की लेंथ आप स्किप भी कर सकते हो, दैट मीन्स अगर आप नहीं दोगे तो इंटीजर की लेंथ यहाँ 11 हो जाएगी। उसके बाद हम ये जो कॉलम होगा प्राइमरी की होगा, और इस कॉलम को मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स हमें बढ़ाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ये बढ़ता रहेगा रो के हिसाब से, 1, 2, 3, 4 ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद हम एक कॉलम लेंगे नेम, दैट मीन्स यूजर नेम इसमें आएगा और ये स्ट्रिंग होगा, दैट मीन्स स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे varchar। और हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेंथ देंगे 100, मैक्सिमम 100 करेक्टर्स का हो सकता है। और इसको हम लोग रखेंगे नॉट नल, जिससे कि इसमें नल वैल्यूज ना पाए। उसके बाद पासवर्ड के लिए हम लोग पासवर्ड फील्ड लेंगे और यहाँ पे varchar ले लेंगे, और इसमें भी हम लोग 100 करेक्टर्स ले लेंगे। और लास्ट चीज ईमेल ले लेंगे और इसको भी हम लोग varchar ले लेंगे, और मिनिमम हम 50 करेक्टर्स लेंगे, आपकी मर्जी जो भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ तीन कॉलम्स लिए हैं, नेम पासवर्ड एंड ईमेल। एक आईडी लिया है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ये दिस इज़ प्राइमरी की, इसको हमने प्राइमरी की बनाया। आप देख सकते हो यहाँ मैंने PK पे चेक किया। अगर आपके पास फॉर्म में और भी कॉलम्स होते तो सारा डेटा स्टोर करने के लिए आप और भी कॉलम्स यहाँ पे बढ़ा देते अपने टेबल में। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप बॉटम राइट कॉर्नर पर देख पाएंगे तो सेव का ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपकी टेबल बन जाएगी। ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट मोर टेबल्स, तो आप नो कर दीजिए। और आप क्या करिए, अपनी टेबल्स को यहाँ देखिए देख पा रहे हैं, आप राइट क्लिक करके इस टेबल को ओपन भी कर सकते हैं, तो आपको एग्जैक्टली टेबल के फॉर्म में डेटा दिख जाएगा। अभी तक यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है, नेम, पासवर्ड, ईमेल, सब कुछ ब्लैंक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो यूज़र की डिटेल हम लोग यहाँ से डालेंगे, वो इसी टेबल में हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम पे चलते हैं, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ कोडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्म बनाया था साइनअप पेज पे,
ये बेसिकली हमारा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है और इसको हमें सबमिट करना है। तो मैंने सबमिट किया एक रजिस्टर सर्वलेट पे, ये देखिए रजिस्टर सर्वलेट। तो एक सर्वलेट मैं बना लूँगा जिसका URL पैटर्न रजिस्टर रखूँगा। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे या हम नया सर पैकेज बना लेते हैं, न्यू जावा पैकेज, और यहाँ पे मैं दूंगा कॉम डॉट यूज़र और फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ पे पैकेज बन गया। अब मैं राइट क्लिक करूँगा न्यू, और सर्वलेट का यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है सर्वलेट पे क्लिक करूँगा और अपना नाम दे दूंगा। अपना नाम मीन्स सर्वलेट का नाम, रजिस्टर, आपको कुछ और नाम देना दे दीजिए। और फिर आप नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद एक बार इसका URL पैटर्न चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, ऐड इन्फॉर्मेशन टू डेवलपमेंट डिस्क्रिप्टर पे चेक कर दिए, और यहाँ पे URL पैटर्न ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये URL पैटर्न और आपके एक्शन में जो आपने लिखा है ये दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। जब ये मैच करेंगे तभी ये फॉर्म सबमिट होगा आपके इस सर्वलेट पे। तो हमारा मैच कर रहा है, मैं इसको फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपका क्या बन गया, एक सर्वलेट बन गया। अब आपको यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर कोडिंग करनी है। मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी आप उस फॉर्म को, उस फॉर्म पे सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म इस सर्वलेट को आ जाएगा। जो डेटा आपने वहाँ से भेजा है वो इस सारी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में सारा डेटा इसमें आ जाएगा। तो हमें एक एक करके डेटा फेच करना होगा, और डेटा फेच करने के लिए हम यहाँ की यूज़ करेंगे ये नेम वाली फील्ड। यूज़र नेम निकालना होगा तो यूज़र नेम से निकाल सकते हैं, अगर पासवर्ड निकालना होगा तो यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड से निकाल सकते हैं, और अगर ईमेल निकालना होगा तो यूज़र अंडरस्कोर ईमेल वाली फील्ड से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट करके, गेटिंग ऑल द इनकमिंग डिटेल फ्रॉम द रिक्वेस्ट। ठीक है, एक एक करके मैं निकालूंगा। तो एक वेरिएबल ले लूँगा सबसे पहले नेम के लिए, और मैं रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट पे कॉल करूँगा, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट पे मैं कॉल करूँगा गेट पैरामीटर। ये फंक्शन, ये मेथड क्या करेगा, मैं इसको फील्ड का नाम दे दूंगा यूज़र अंडरस्कोर नेम, और ये मुझे उसकी वैल्यू दे देगा। सिंपली रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट पे मैंने कॉल किया गेट पैरामीटर, और मैंने इसको यूज़र अंडरस्कोर नेम दिया है। बेसिकली ये चीज़ मैंने पास की, ये चीज़ पास की है, और इसने मुझे इस फील्ड की वैल्यू दे देगा, ये मुझे रिटर्न कर देगा। तो वैल्यू मैंने स्टोर कर लिया नेम में। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग लेंगे यहाँ पे ईमेल के लिए, और हम सिंपली कहेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और हम यहाँ यूज़र अंडरस्कोर ईमेल पास कर देंगे, तो हमें ईमेल की वैल्यू मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट चीज़, हमें लास्ट चीज़ पासवर्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक और वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कॉल करेंगे, और फिर से हम पासवर्ड वाली फील्ड की वैल्यू पास कर देंगे। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, सारी फील्ड्स की वैल्यूज पास कर दी, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, यूज़र वैल्यूज, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड एंड यूज़र ईमेल, और हमें इन वैल्यूज़ की यहाँ पे सारी इन नेम्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। दैट मीन्स जो फील्ड की आपने नेम दिया है सबकी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब हम लोग एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक्जैक्टली आ जा रही हैं कि नहीं आ पा रही। तो हम इसको प्रिंट कर देंगे सिंपली, और यहाँ पे हम नेम प्रिंट कर देंगे, नेम के बाद पासवर्ड प्रिंट कर देंगे, और पासवर्ड के बाद हम यहाँ पे ईमेल प्रिंट कर देंगे। और एक बार हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे कि यहाँ तक वैल्यूज़ पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं। तो मैंने स्पेस नहीं दिया है, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है। अब हम आएंगे और यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे कुछ डिटेल को फिल करेंगे, और ईमेल आईडी वगैरह फिल करेंगे हम gmail.com, और हम इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको नाम दिख रहा है, फिर पासवर्ड दिख रहा है, फिर ईमेल दिख रहा है। दैट मीन्स रजिस्टर सर्वलेट जो चल रहा है तो डेटा यहाँ तक आ जा रहा है, सर्वलेट तक आ जा रहा है। अब हमें मेन मोटो क्या करना है, डेटा यहाँ तक पहुँच गया, अब हमें यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा JDBC की हेल्प से, और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे क्वेरी चलानी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट इज फिर हमें क्वेरी को फायर कर देना होगा इंसर्ट क्वेरी की, जिससे कि हेल्प से जो ये नेम पासवर्ड ईमेल आ रहा है, मेरा मोटो यही है कि उसको किसी भी तरीके से डेटाबेस तक पहुँचाना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो आपको कैसे कनेक्शन क्रिएट करना है, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो मैंने इस पर एक सीरीज़ बना के रखी है। आप क्या करिए, उस सीरीज़ को जाके देखिए, और सीरीज़ को देखिए कैसे कनेक्शन आते हैं, कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए, फिर आके यहाँ पे इन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो हम यहाँ पे कनेक्शन बना लेते हैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास को लोड करेंगे, ड्राइवर क्लास को लोड करेंगे। तो हम लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पे ड्राइवर क्लास का नाम, तो ड्राइवर क्लास का नाम है com.mysql com.mysql.jdbc.driver
सिंपल ड्राइवर लोड हो गया, और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगी तो मैं ये सारी चीज़ कहाँ रखूँगा, ट्राई कैच के अंदर रखूँगा। तो इसको उठा के मैं इसके अंदर कर दूँगा और यहाँ लगा दूँगा कैच, और हम हैंडल कर लेंगे एक्सेप्शन को, और जो भी एरर आएगी उसकी डिटेल मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा कंसोल पे, ट्रेस को प्रिंट कर दूँगा। नेक्स्ट चीज़, हमारे ड्राइवर लोड हो गया, अब हमें कनेक्शन बनाना है, तो हम एक कनेक्शन टाइप का वेरिएबल लेंगे, कनेक्शन कॉल इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और ये दोनों जो क्लासेस हैं वो SQL पैकेज में, तो हम ऊपर आके इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट java.sql sql.asterisk पैकेज, सिंपल। अब आएंगे नीचे और हम इसको यूज़ करेंगे, तो हमें इसमें देना है कुछ चीज़ें, तो हम क्या करते हैं कुछ चीज़ें दे देते हैं उसको, क्या क्या चीज़ देना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले URL देना है अपने डेटाबेस का, तो URL हम पास करेंगे, उसके बाद यूज़र नेम देना है, उसके बाद पासवर्ड देना है। तो हम सबसे पहले यूज़र नेम देते हैं, यूज़र नेम मेरे डेटाबेस का है रूट, आप लोग अपने डेटाबेस का यूज़र नेम दीजिएगा। और आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप JDBC वाली सारी सीरीज़ वहाँ पे देखिए, सारी वीडियोज़ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, और हम पासवर्ड दे देंगे। नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे URL देंगे, तो URL होगा mysql://localhost, और फिर हम यूज करेंगे पोर्ट नंबर 3306/, और अपने डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम यहां से मैं लूंगा, ये है बेसिकली हमारा डेटाबेस यूट्यूब, तो मैं यहां पे से यूट्यूब दूंगा स्लैश के बाद यूट्यूब, सिंपली कनेक्शन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन बन गया तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी बनाएंगे अपनी, इंसर्ट की क्वेरी, तो हम स्ट्रिंग लेंगे क्यू और इंसर्ट की क्वेरी बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट इनटू डेटाबेस का नाम तो हो चुका है पहले, तो हमें यहाँ पे लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, तो टेबल का नाम बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे लिया था यूज़र, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र, इंसर्ट इनटू यूज़र, और हम लोग को क्या करना है यहाँ पे स्पेसिफाई करना है वेल कॉलम्स, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नेम कॉलम, फिर पासवर्ड कॉलम, और फिर ईमेल कॉलम, उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज़, और यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पास करनी है, तो मैं यहाँ पे 3 question mark यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं हमने यूज़ किया है प्लेस होल्डर, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कौन की हेल्प से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, और हम अपनी क्वेरी यहाँ पे पास कर देंगे, ये मुझे दे देगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के वेरिएबल में इसको PSTMT स्टोर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन मार्क पे इन वैल्यूज़ को स्टोर हम लोग रखेंगे, नेम को हम पहले क्वेश्चन मार्क पे रखेंगे, पासवर्ड को दूसरे क्वेश्चन मार्क पे, ईमेल को तीसरे क्वेश्चन मार्क पे, तो आपको लिखना है PSTMP.setString, स्ट्रिंग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप की है, और हम कॉमा लगाएंगे और पहले क्वेश्चन मार्क पे नेम, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन मार्क पे हम लोग यहाँ पे दे देंगे पासवर्ड, और तीसरे क्वेश्चन मार्क पे हम लोग दे देंगे यहाँ पे ईमेल, तो हम फटाफट चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा नेम ईमेल पासवर्ड सेट हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग को करना क्या है, अब हमें क्वेरी को फायर कर देना है, तो हम लिखेंगे PSTMP.execute, क्योंकि ये जो क्वेरी है वो डेटा नहीं ला रही है, तो हम execute update कॉल करेंगे, और यहाँ पे एक सिंपली मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट, या सिंपली एक मैसेज दे देंगे out.println, और हम यहाँ पे लिख देंगे डन। अगर ये मैसेज डन आ गया दैट मीन्स डेटा पहुँच चुका है, और अगर यहाँ पे कुछ एरर आएगी इस स्टेटमेंट में तो हमारा एक्सेप्शन चलेगा, यहाँ पे ये वाला चलेगा, तो यहाँ पे भी हम कुछ प्रिंट कर देते हैं out.println, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं एरर, और एक चीज़ और करते हैं, क्योंकि डन थोड़ा बड़ा आना चाहिए, दिखना चाहिए, तो हम इसको H1 में कर देंगे, और यहाँ भी हम लिख देंगे H1 क्लोजिंग टैग, सिंपल, और एरर को भी क्या कर देते हैं H1 के अंदर रख देते हैं, और H1 को क्लोज कर देते हैं, जिससे कि ये इसका जो फॉन्ट हो हेडिंग टैग की हेल्प से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को चलाएंगे, और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और है, क्योंकि हम लोग MySQL JDBC ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं, तो ड्राइवर को अपने क्लास पाथ में ऐड करना होगा, लाइब्रेरी में ऐड करना होगा, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड जार का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा,
और अपनी लाइब्रेरी को सेलेक्ट कर लूँगा, दैट मीन्स MySQL 5.0 वाले जार फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा। ये है हमारी जार फाइल, आप जार फाइल को नेट से डाउनलोड कर सकते हो। और जब डाउनलोड करिए तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप वर्जन वहाँ पे देख के डाउनलोड करिए कि वो जार फाइल आपके 5.7 के लिए है कि 8 के लिए। तो MySQL कनेक्टर जार फाइल यहाँ से मैं क्या करूँगा, ओपन कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश करूँगा फिर से, तो आके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे फिर से मैं नाम दूंगा और अपना पासवर्ड दूंगा कुछ भी, और अपनी एक ईमेल आईडी पास कर दूंगा और मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ गया डन, दैट मीन्स सारी चीज़ें सही चली होंगी तभी ये डन प्रिंट हुआ। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ होता तो एक्सेप्शन जनरेट होती, और अगर एक्सेप्शन जनरेट होती तो ये वाला ब्लॉक चलता और यहाँ पे एरर प्रिंट हो जाती। अब हम आपको लेके चलते हैं डेटाबेस दिखाते हैं। तो हमारा यहाँ पे डेटाबेस है, इस डेटाबेस को मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है और उसकी आईडी 1 है, नेम दुर्गेश तिवारी, पासवर्ड यहाँ पे, ईमेल सब कुछ आ गया। दैट मीन्स अब कोई बंदा यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर मैं यहाँ डालता हूँ अतुल और मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ भी पासवर्ड और यहाँ पे मैं कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ और मैं सबमिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे डन हो गया। और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डेटाबेस में वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन अभी ये एसिंक्रोनस नहीं है, अजैक्स बेस नहीं है, ये नॉर्मल सिंक्रोनस कॉल है। दैट मीन्स आपका पेज सर्वलेट को चलाने के लिए रिफ्रेश हो जा रहा है, मतलब दूसरे पेज पे चला जा रहा है। हम चाहते हैं कि पेज हमारा यही पेज ओपन रहे और हम बैकएंड में रिक्वेस्ट भेज दें और पेज पे कुछ चेंजेस भी ना करें, पेज रिफ्रेश भी ना हो, तो ये काम हम कर सकते हैं अजैक्स की हेल्प पे। और हम यूज़ करने वाले हैं जे क्वेरी अजैक्स को ऐड करने के लिए।